नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया के नए प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम जाते हैं एक ही विधानसभा के कई अलग अलग क्षेत्रों में और पूछते हैं वहां की जनता से एकमात्र सवाल कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। क्या विधायक आए आपके बीच, किया आपके क्षेत्र का विकास या हो गए हैं फेल। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट करोलबाग विधानसभा से। हम क्या आपका छोटेलाल। छोटेलाल जी कहाँ रहते हैं? यहीं पे। कौन सा इलाका है? झंडेवालन। अच्छा बाबा, दिल्ली में चुनाव आते हैं, आप लोग वोट करते हैं? हाँ। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? केजरीवाल जैसा। क्यों केजरीवाल? गरीब आदमी सुन रहा है और क्या। क्या सुनवाई करी 5 सालों में? बहुत कुछ सुनवाई कर दिया। आपके इलाके से विधायक कौन है? यार कुछ काम करा क्षेत्र में? हाँ, जो जो सका करा, पूरे क्षेत्र में जो हो सका वो किया, जो हो सकता किया, संतुष्ट रहा काम होते। हाँ। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर। क्या बात है भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शद्दाम। शद्दाम भाई कहाँ रहते हो? यहीं पे रहता हूँ। चुनाव आता है वोट करते हो? पक्का। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? केजरीवाल जैसा होना चाहिए। क्यों केजरीवाल? जो करने का था उन्होंने बहुत कुछ करा। क्या काम किया 5 सालों में? मैं हमारे हिसाब से तो बहुत कुछ हो गया 5 साल में। जैसे? जैसे कि मतलब जो काम होने के थे ना, कुछ तो उसे करने नहीं दिए और कुछ उन्हें करने की सोची लोगों ने रोक लिए, नहीं तो उसने उसके हाथ के बात होती तो वो सब कुछ करता, मगर उसे करने नहीं दिया लोगों ने काम। संतुष्ट काम, जो काम कर पाया संतुष्ट उससे? हाँ। कितने नंबर दोगे 10 में से? अगर 100 के 100 होते ना तो 100 के 100 देता, 10 की तो छोड़ो। अच्छा बताओ, आपके इलाके से विधायक कौन है? विशेष रवि। कुछ काम करा है क्षेत्र में? पक्का कराया काम। क्या काम करा? करने का था उनने वो करा है। क्या क्या काम कराया उसने? यहाँ पे पानी की समस्या रहती थी, पानी भी भरपूर आता, 24 घंटे आता, बाकी का इसमें सफाई कर्मचारी ही दिक्कत करते हैं, बाकी का इन जुग्गियों के अंदर आधी जगहों पे पानी नहीं पहुँचता था। आज की डेट में हर घर घर में मोटर लगोगी, हर घर घर पानी पहुँचता है। 5 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम किया दिल्ली वालों के लिए? काम किया उन्होंने, अच्छा काम करा। क्या काम किया? पानी है, बत्ती है, यही काम करो और क्या काम करे, छोट मोट काम करे और क्या करे। संतुष्ट काम से कि नहीं? हाँ थोड़ा संतुष्ट उससे भी। सतीश कुमार। सतीश भाई कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ। चुनाव आता है वोट भी करते हो? बिल्कुल। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता का फायदा करे, विकास करे, हॉस्पिटल है, स्कूल है। 5 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम किया दिल्ली वालों के लिए? बिल्कुल, काम तो बहुत हो रहा है। क्या काम किया? काम हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया हो रहा है, स्कूल बहुत बढ़िया हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, CCTV लग रहे हैं। विपिन। कहाँ रहते हो? ये झंडेवालन। चुनाव आता है वोट करते हो? वोट तो देते ही। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? अब तो हमारे हिसाब से ही केजरीवाल होना चाहिए। क्यों केजरीवाल? जो जैसे छोटा मोटा जो भी काम है कर रहे हैं, मतलब संतुष्ट कामों से। हाँ जी। आपके इलाके से विधायक कौन है? विधायक इसी का ही है, केजरीवाल की। जानते हो उसको? हाँ, विशेष रवि जी। कुछ काम कराया क्षेत्र में? छोटा मोटा करते रहते हैं इधर तो, ऐसे पाइपलाइन हुए, जे हुई, ये अपने खरंजे वरंजे हुए डालते रहते हैं ऐसे तो। संतुष्ट काम होते? हाँ जी। कितने नंबर दोगे 10 में से? है जी, 10 में से कितने नंबर दोगे? हमारे 9 समझ लो आप। खेमचंद है मेरा। खेम भाई कहाँ रहते हैं? मैं 350 बस टर्मिनल अम्बेडकर बस्ती की झुग्गियों में गेट। एड्रेस बता दिया आपने, एक बार बताइए, जब दिल्ली में चुनाव आते हैं वोट भी करते होंगे फिर तो? हाँ जी, वोट भी करते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? मुख्यमंत्री वही केजरीवाल होना चाहिए, अच्छे काम कर रहा है। क्या अच्छे काम किए? औरों ने क्या कर दिया जो इसने बुरे कर दिए? अच्छा क्या किया? हमारी झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए, गरीब तबके के लिए, स्कूटर वाले, रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शे वाले, रेडी ठेली वाले, पटरी वाले, इन सब की दुकानों को रोल वो तो नहीं कर रहे, वो हटा तो नहीं रहे। भाजपा वाले तो हटा देते हैं, गंदगी हटाओ जी हटाओ, और जब हम ही नहीं रहेंगे यूपी और बिहार वाले तो दिल्ली का खाक अच्छी बनेगी? हम लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटा कारोबार करते हैं, हम लोगों को ही भगाने के चक्कर में रहती है बड़ी बड़ी पार्टियाँ। ये पार्टी कम से कम हमदर्दी तो हम विश्वास भी है, इसलिए हम इसे जिताएंगे। आप चाहे कोई कितना ही लालच दे, हमें भाजपा वाले दें, कांग्रेस वाले दें, हमें क्या लेना देना। अरे बड़े बड़े नोट तो वो खाते हैं, ये तो फिर भी अच्छा है, पानी पहले फ्री कर दिया, अब उसने बिजली फ्री कर दी, मेरा न्यूट्रल आया, 0 आया,
मेरे 150 यूनिट है, ठीक है जी, 150 यूनिट के करीब 400-450 रुपया बनता है, मेरा तो फ्री हो गया, मैं तो खुश हूँ। अब कोई पैसा दे चाहे ना दे, और देगा भी तो अपनी गरज पे वो हमसे वोट लेगा, मैं क्यों वोट दूँ, जब अगले ने हमें इतना फायदा कर दिया मैं क्यों उसको वोट दूँ दूसरी पार्टी को। क्या बात है। अच्छा, आपके इलाके का विधायक कौन है? हमारे इलाके का विधायक विशेष रवि है। कुछ काम कराए क्षेत्र में? विशेष रवि ने जो पीछे नालियाँ नुलियाँ साफ करवाई थी, गटर साफ कराए, लैंड डलवाई, पीछे सड़क वगैरह थोड़ी मरम्मत थी वो करवाई, इसने बिजली के लिए जो है लाइट लगवाई है, और नल भी, पानी की लाइन भी लगाई है, दवाई गोलियों की इमरजेंसी वो भी बनाई है, लोग वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, वो हालांकि दूर पड़ता है लेकिन वहाँ से हम लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या बात है, आप तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। खुशी की बात ये है कि हम देखो दूसरी पार्टी को हम देना नहीं चाहेंगे, चाहे हमारे झुग्गी झोंपड़ी वाले मतलब 10% किसी को भी दे दो, 20%, लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ 75% से ज़्यादा जो है ना गरीब तबका, मैं ही नहीं, मेरी इलाका छोड़ दीजिए, गरीब तबका जो है ना अपने आप केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है, झुग्गी झोंपड़ी वाला जुड़ा हुआ है, वो क्यों चाहेगा मेरी झुग्गी झोंपड़ी हटे, वो क्यों चाहेगा मेरा ठिया हटे, जहाँ पर ज़्यादातर रेडी पटरी वाले हैं, हम रेडी पटरी वाले पे छोले कुलचा भटूरे यही बेचते हैं, जहाँ फल फ्रूट बेचते हैं, हम लोगों के लिए यही फायदेमंद है। सीलिंग तो भाजपा वाले करवाते हैं, कांग्रेस वाले करवाते हैं, ये थोड़ी करवाता है। पार्टी वर्कर तो नहीं हो ना? मैं पार्टी वर्कर नहीं हूँ, मुझे कोई खाने को नहीं देता केजरीवाल, मुझे कोई ये तुम्हारे भाजपा वाले खाने को नहीं देते, मुझे कांग्रेस आई वाले खाने को नहीं देते, क्यों इनकी बजाऊं मैं? मैंने पीछे शीला दीक्षित की बुराई करी थी, क्या मुझे दूसरी पार्टी ने खाने को दिया था? कहाँ रहते हो? यहीं पे रहता हूँ। चुनाव आता है वोट करते हो? हाँ करते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जैसा होना चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल? अच्छा उसमें देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, स्कूल में देख लो, इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है। और इलाके का विधायक कौन है? विशेष रवि। कुछ काम कराया क्षेत्र में? पूरा काम कराया, अच्छा काम कराया। क्या काम कराया? सब पानी ही, या पानी नहीं आता था, पानी की पाइपलाइन उसने डलवाई, बत्ती और वो सारा कुछ फ्री दे रहा है उसने, बहुत काम करवाया। दूसरे कामों से? हाँ, एक नंबर दोगे 10 में से? 10 की 10। हाँ जी माता जी, आप बताइए आपके केजरीवाल ने क्या किया, आप पिछले बता रहे थे। बहुत कुछ अच्छा करा है, वैसे तो उसने जो होना चाहिए बिजली पानी फ्री करा उसने, और जी के शौचालय भी बनाए, और ये साफ सफाई भी करवाई है, सभी चीज, जो बिल कभी 3,000 आते थे आज उन लोगों के 200-200 रुपए और 200 यूनिट वालों को फ्री दे रखा, ये सुविधा दे रखी है गरीब औरतों को, और क्या चाहिए। संतुष्ट हो? बिल्कुल सही है अभी फिलहाल। आपके इलाके का विधायक कौन है? विधायक विशेष रवि है। कुछ काम कराया क्षेत्र में? करा, जो कुछ करा तो रहे उसी की बदौलत तो है। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से दे ही देंगे, 8 नंबर तो दे ही देंगे। क्या नाम है आपका? पतराज। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं सर। चुनाव आता है वोट भी करते होंगे? जी हाँ। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? अब यहाँ का तो केजरीवाल सही है जी। क्या काम किया केजरीवाल ने? केजरीवाल नहीं करवाया, और कौन करवाया, कोई नहीं करवाया।